रेस्पिरेशन लंग्स और एटमॉस्फेयर के दरमियान ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस के एक्सचेंज करने के प्रोसेस को कहते हैं। ये दो फेजेस पर मुश्तमिल होता है। नंबर वन, इंस्पायरेशन। इस फेज में ऑक्सीजन को लंग्स के अंदर लेकर जाया जाता है। नंबर टू, एक्सपायरेशन। इस फेज में कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स से बाहर निकाला जाता है। फ्रॉग के रेस्पिरेटरी सिस्टम अनचा जैसे हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। नंबर वन, नोस्ट्रिल्स। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स का एक पेयर नोज या स्नोट के सामने वाले हिस्से में यानी इंटीरियर एंड पर मौजूद होता है। नोस्ट्रिल्स बकल कैविटी की तरफ जाते हैं। नंबर टू, बकल कैविटी। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स दो इंटरनल नोस्ट्रिल्स के जरिए बकल कैविटी में खुलते हैं। नोस्ट्रिल्स एयर को बॉडी में अंदर लेकर और बाहर लेकर जाने वाला रास्ता है। इसमें ग्लॉटिस मौजूद होती है। नंबर थ्री, ब्रोंकस। ग्लॉटिस के बाद लेरिंग्स आती है जो एक बहुत छोटी ब्रोंकस में खुलती है। नंबर फोर, लंग्स। हर ब्रोंकस अपने साथ जुड़े लंग्स में खुलती है। फ्रॉग में लंग्स का एक पेयर मौजूद होता है, मतलब दो लंग्स मौजूद होते हैं जो कि थिन वॉल्ड डार्क कलर के होते हैं और स्पॉन्जी टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। लंग्स के बाहर वाली सरफेस स्मूथ होती है जबकि अंदर वाली सरफेस बहुत सारे छोटे एयर सैक्स पर मुश्तमिल होती है। इन एयर सैक्स को एल्वेलाय कहते हैं। यहाँ पर ब्लड और एनवायरमेंट, मतलब लंग्स के एनवायरमेंट और ब्लड के दरमियान गैसेस यानी कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, तबादला होता है। फ्रॉग में रेस्पिरेशन का अमल तीन मुख्तलिफ तरीकों से होता है। नंबर वन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। स्किन के जरिए गैसेस के तबादले को क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। नंबर टू, बकल रेस्पिरेशन। बकल कैविटी में गैसेस के तबादले को बकल रेस्पिरेशन कहते हैं। नंबर थ्री, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। लंग्स के जरिए गैसेस के एक्सचेंज या तबादले को पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं।